लघु उद्योग भारती नालागढ़ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले ही अपाहिज है और अगर बीबीएन में बंद होते हैं उद्योग तो वेंटिलेटर पर चली जाएगी सरकार। प्राकृतिक आपदा के कारण पहले ही प्रदेश में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ के उद्योगपति परेशान है, क्योंकि आपदा के कारण सड़कें और पुल टूट चुके हैं और ना तो कच्चा माल बाहर से आ रहा है और ना ही तैयार माल बाहर भेजा जा रहा है, जिसके चलते उद्योगपतियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाते हुए उद्योगपतियों पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया गया है। उद्योगपतियों पर सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते अब उद्योगपतियों को लाखों रुपए का अतिरिक्त बिजली बिल आ रहा है और उद्योगपति पहले ही परेशान चल रहे हैं। अब उद्योगपतियों ने सरकार से बिजली दरों को वापस लेने की गुहार लगाई है और साथ ही चेतावनी देकर कहा गया है कि अगर सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस नहीं लिया तो उद्योगपति हिमाचल प्रदेश से अपने उद्योगों को पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। इस संदर्भ में हमने वैसे माननीय नितिन गडकरी जी को भी लघु उद्योग भारती ने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और अनुराग ठाकुर जी से भी हमने उसमें गुजारिश करी है कि आप हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग भारती का है वो माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री है, उनसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे को शीघ्र ही उसका टाइम मिले, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रव्यापी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था जो है उद्योगों की वो लघु उद्योग भारती है। आज जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी जो ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी बीवीएन को है वो सब ब्रिज लगभग टूट गए हैं, रोड्स की हालत खस्ता है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हो रही है, हमारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है और फिनिश गुड भी यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब पोजीशन ये हो चुकी है कि जिन लोगों की इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी वो इंडस्ट्री 8 घंटे पे आ गई है। और हमारे संजीव शर्मा जी ने भी, जनरल सेक्रेटरी जो है प्रदेश के, इन्होंने विषय उठा लिए हैं, लेकिन कुछ विषय हमारे ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत है। जो छोटी इंडस्ट्री है MSME, उनके पास काम नहीं है। मतलब जो लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे फैक्ट्री चलाते थे वो लोग बंद होने के कगार पे 4 घंटे पे आ गए और इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है। मेरे आइडिया से हम लोगों की तरफ से जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए हम लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे और बाकी देखो गवर्नर को लिखेंगे भाई, इसको जो ये ईडी वाला चैप्टर है ये क्लोज होना चाहिए, बंद वापस लेना चाहिए।